का पाठ पढ़ाते जिया मर्यादित जीवन जिसने उनको श्रेष्ठ बनाया बस वही है जो इस जग में हमारे श्री राम कहलाते हैं। Thank you.
Oh.
निशान कर रहे हैं, राम को न जाने ऐसा धन न मिला, उन्हीं राम जी को ध्यान कर न मिला। हेलो क्या सही है तुमसे कि नहीं तो हाँ करना चाहो ना यार राम रमा की जय 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 वन मन भटके वह मर्यादा की सीख सिखाने त्याग भावना हमें सिखाने यही पूरे करने का आए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। Thank you.
अब मैं निवेदन करता हूँ हमारी संस्था के विश्वविद्यालय MIAS विश्वविद्यालय के कुलाधिपति महोदय श्रीमान मंच पर आए और रामचरण जी महाराज का राम मंदिर निर्माण में क्या योगदान रहा हमें अवगत करवाए श्रीमान कुलपति महोदय। साधना का आधार था वो कितने पाठ करते थे
एक राम नाम कहने से सक्सेस नाम का पार्ट होता है। राम को कहते हैं राम आदर्श पुरुष, राम हर परिस्थिति की हर सिद्धांत की सीमा है। एक पुत्र को पिता के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए उसकी सीमा राम है। पिता प्रसन्न होते हैं, मैं अगर राज का काम देखता हूँ तो ठीक है, राज्य का काम देखूंगा। और मुझे एक रामायण के बड़े गुरुदाम ने बताया कि महाराज दशरथ के समय में ही श्री राम जी जब से पढ़ करके आए राजकाज में इतने व्यस्त हो गए कि वो दादा दशरथ जी को करीब करीब फ्री कर दिया। आप राम नाम लीजिए, साधन कीजिए, काम राज्य का मैं देख लूंगा। पर जब उन्होंने कहा दशरथ जी ने कि तुमको राजा बनना है, हर से विषय नहीं कुछ मन मन का मन नहीं आना, ये तुच्छ राजी के वचन है, उनके लिए खुशी में भी दुख हुआ। महाराज राजा बना रहे हैं, वो काम वो जिम्मेवारी देंगे निभाएंगे, लेकिन कोने कोने आज रात को तुमको विशेष अनुष्ठान करना है। गुरु जी ने कहा अनुष्ठान कर लेंगे। अनुष्ठान करके सोए थे, सुबह उठते ही पिता ने बुलाया तुमको बन जाना है, कोई न कोई खुशी न कोई दुख, चलो बन के चलते हैं। एक रामायण में तो यहाँ तक कथा है कि राम जी को जब राज्य मिलने लगा तो उनको बड़ी व्याकुलता हो गई कि मेरे यहाँ धरती पर अवतार लेने का आधार था कि मैं राक्षसों का नाश करूंगा, आतंकियों का नाश करूंगा, पर वो नाश राज्य करने से कैसे होगा। केबल भाई है, मैं चला करके किसी पर हमला करूंगा नहीं, मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ। बने हो देखिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, इसका थोड़ा सा बताऊ का ये बात बता दूंगा लगा लगा। तो उन्होंने ये मैंने जो सुना है बता रहा हूँ, एक रामायण का प्रसंग एक संत बता रहे थे, माता केकई के पास जाकर के कहा राम जी के बारे में एक और निश्चित जानकारी है, इसमें कोई फर्क नहीं है, अनेकों रामायण में आया है कि भगवान राम का लालन पालन माता केकई ने किया था, राम ने नहीं किया। वो माता का प्यार उनको जो मिला वो सबसे ज्यादा उनको मिला, माता को से मैंने भरती प्यार किया, उनको पाला पोसा, लेकिन राम जी का पाला पोसा माता के नहीं। तो राम जी अपने सबसे प्यारी माता के पास कहा, माता तेरे को बड़ा बलिदान करना पड़ेगा, क्यों तेरे पास वो वरदान है, पिताजी से मांग ले मेरे को जंगल चले जाऊंगा, और जंगल जाऊंगा तो वहां मेरे को मौका मिल जाएगा साथ मेरे उद्देश्य है वो पूरा करने का। तुम्हारे मन डालू के लिए मैंने तुमको प्यार किया है, तुम्हारे लिए बदनामी भी सहूंगी, कोई भी अपनी लड़की का नाम केके नहीं रखता, केके नाम पर सब थूकते हैं। लेकिन उन्होंने सुबह रात को जब महाराज आए केके के महल में तो कोक पाव में चली गई और कहने लगी मुझे मेरे को वरदान दो। कहा मानो मैंने तुलसी भी देने का कहा था, तुमने कहा नहीं मेरे खाके रखो। पहला वरदान है राम को 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए, दूसरा वरदान है भरत को राज्य दो। महाराज ने कहा तुम सोच लो, मैं बना हुआ हूं, मैं तो देना मुझे देना पड़ेगा, लेकिन जो राम तुम्हारा सबसे प्यारा बेटा है उसको तुम वनवास मांग रही हो, अरे भरत को राज्य दो तो राम बहुत खुश हो जाएगा। राम ने तो बड़े प्रेम से शांति से राज स्वीकारा है, वो तो भरत को अपने प्राण से ज्यादा प्यारा है। नहीं मुझे तो राम को वनवास की चाहिए, और वनवास ऐसे नहीं, वो वनवास ऐसा चाहिए कि वो वनवास पूर्ण संयमित रह करके, वहां भी ऐसा नहीं कि वो जाकर के किसी से शादी कर लिया, कोई मजाकी बना लिया और फिर तो बाहर किसी नानी को तैयार होने तो नानी साथ जा रही है, नहीं पुरानी के साथ नानी का व्यवहार नहीं करेंगे। भगवान ने कहा वो भी ठीक है, आप लोग सब ठीक। कौशल्या माँ के पास गए, जाकर के इजाजत मांगी, कहा माता मुझे मेरी माता ने मेरे पिताजी ने माता के आदेश के अनुसार वनवास दिया है, आप मुझे आशीर्वाद दो। उन्होंने कहा कि मेरी माता बहुत ज्यादा प्यारी माता है, उसका मन है तो तुम जरूर जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ। अच्छा आपको पता है राम कितने भाई थे,
आप अंगुलियां दिखाई सीखते थे और उसके अलावा कोई बहन थी क्या? या पांचवा भाई था? नहीं थी या थी? हाथ उठाइए। नहीं, बच्चों से पूछ रहा हूं, बहन थी क्या? नहीं, बिल्कुल यही बात आ रही है, किसी को मालूम नहीं है। महाराज दशरथ के माता कौशल्या की जो सबसे पहले बड़ी रानी कौशल्या की उनके साथ शादी हुई तो सबसे पहले एक लड़की हुई, उसका नाम था शांता। लेकिन महाराज जब गुरुकुल में थे तो उनके बहुत प्रिय मित्र थे एक दूसरे राजा, उनको किसी ने कह दिया, किसी ऋषि ने कह दिया कि तुम्हारा संतान नहीं होगी, तुम्हारा वंश नहीं बढ़ेगा। तो बहुत उदास हो गए। दशरथ जी ने पूछा कि मित्र उदास कैसे हो? तो मुझे पैसा कह दिया। उदासी क्या बात है, मेरे जो पहले संतान होगी उनको दूंगा, तुम ही पालो पोसोगे, तुम उसको अपनी बेटा बेटी जो मानोगे मानोगे। लड़की हुई तो उन्होंने चला करके जाके अपने मित्र को दे दी और उन्होंने बड़े प्यार से पाला पोसा। अब आप ये बताइए वो बेटी कहां शादी हुई, कौन थे उसके पति, कोई जानता है? अच्छा गुरुजन बताइए। इसलिए अब तो बच्चों से पूछ रहा था, गुरुओं से पूछ रहा हूं। एक बार जिस राजा को महाराज दशरथ ने बेटी दिया था, गोद दिया था, उनके गांव में अकाल पड़ा, उनके राज्य में अकाल पड़ा। अकाल इतना भयंकर था कि पशु पक्षी मरने लगे। उन्होंने पंडितों को बुलाया, ज्योतिषियों को बुलाया कि कोई उपाय बताओ। तब ऐसा महान महापुरुष को ऋषि मुनि आए और यहाँ अनुष्ठान करे रुके तो अकाल मिट सकता है, लेकिन ऐसा ऋषि तो सिर्फ एक ही है, वो है दुनिया पर एक ही। श्रृंगी ऋषि ऐसे थे जिनके पिता महान तपस्वी थे, लेकिन पिता ने कहा कि मैं अपने लड़के को दुनिया दिखाऊंगा ही नहीं, उसको सशरीर स्वर्ग ले जाना है, और तब होगा जब दुनिया के साथ उसका संपर्क कट गया। तो दो ही नाम जानते थे, ये गुरु एक चेला, बाप बेटा भी जानते थे। स्त्री होती है ये उनको पता नहीं था, सब ऐसे ही होते हैं। कराई कोई उनको श्रृंगी ऋषि को लाएगा उसको मुंह बांध आराम दिया जाएगा। तो उस नर्तकियों ने कहा हम लाएंगे, लेकिन हमें तैयारी पूरी चाहिए, क्योंकि ये था कि उनके पिता को अगर मालूम हो गया कि कोई आया है यहाँ तो अपने तब से भस्म कर देते। तो उन्होंने कहा हमारे देश के लिए राजा को हुक्म जाएंगे। नर्तकियां गई, एक बहुत बड़ा नाव बनाई गई, बजरा बनाया गया जिस पर पूरा सब रहने खाने पीने का सब इंतजाम था। नर्तकियों ने छुप करके देखा, इस टाइम में पिताजी जाते हैं जंगल में और वहां जाकर के वो अपना नित्य कर्म करते हैं, स्नान करते हैं, घूमते हैं। वो पीछे से पहुंची और जाके श्रृंगी ऋषि से कहा कि अरे आप जंगल में अकेले क्यों बैठे हो? खैर बातें हुई, उन्होंने कहा कि आप कौन हैं और आपके शरीर का तो हमारे शरीर से बहुत भिन्न अलग है, क्या शरीर ऐसा शरीर कैसे? इन्हीं में दीर्घांगना है, देवांगना में शरीर ऐसा ही होता है। और वो लंबी कथा है, लंबी कथा संक्षेप में करूंगा। तो क्या तुम रहते कहां हो? तो कहा चलो मेरे साथ, हम दिखा देंगे, हमारा घर का सर पानी पर तैरता। अच्छा दिखाया उनको, घर बड़ा शानदार था, वगैरह नाव बहुत सुंदर, हाउसबोट बनते हैं कभी जिसमें गए हाउसबोट देखा न तो रात में हाउसबोट को कुछ देखा, तो देखा बहुत खुश हो गए। अब पिताजी के आने का समय, गुरु जी के आने का समय होगा, आप जाइए, अब आपको मिलोगे देव मानना हो तो देखो हम कोशिश करेंगे, कल ही आएंगे इसी समय। अब लेकिन पूरी तैयारी करके आए और जो ही पिताजी गए बाहर उनको उठा करके ले आए और लेकर के बोट को रवाना कर दिए। रवाना करके नदी का किनारा था, सीधे जाकर के राजधानी में रुके, खाने पीने को खूब बढ़िया था वहाँ, अच्छे अच्छे उन्होंने सदली बलभोली खाए थे, कुछ खाया नहीं था तो उनको लगा कि रात्रि के भोजन है, जरूर देवांगना है। वहां गए, राजा रानी तैयार थे, उन्होंने उनका स्वागत किया, उनको रखे कैसे, ये वापस चले जाएंगे तो अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। तो श्रृंगी ऋषि की पत्नी थी शांता, जो भगवान राम की बड़ी बहन थी, पर श्रृंगी ऋषि को बुला करके लाए दशरथ जी, उन्होंने यज्ञ किया तो जाकर के चार पुत्र हुए। खैर ये लंबा प्रसंग है,
लंबा नहीं जाऊंगा, समय कम है। तो अब हमें राम को क्यों उपासना करनी चाहिए, खास बात राम मंत्र की महिमा सभी धर्मों ने सभी विद्वानों ने कही है। राम को शास्त्रों में ओम के बराबर माना है। प्रणव जो है कहते हैं ओम की ध्वनि के साथ ही जगत पैदा हुआ है, और वो ओम की ध्वनि और राम की ध्वनि बराबर है। ओम को भारतीय जितने भी धर्म है सब ने, गुरु नानक देव जी ने कहा एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निर्भव निर्भय अकाल मूर्त चलोनी से मन गुरु प्रसाद चल। एक ओंकार है जिसको किसी व्यवधान के बिना किसी भी दूसरे विकल्प के बिना जपो उससे कल्याण हो जाएगा, पर वो ओम और राम एक बराबर है। तो ये मैंने ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगा, समय हो रहा है मेरे ख्याल से 10 मिनट मुझे दिए गए थे, 8-9 मिनट ज्यादा ठीक हो गए। तो ये खास बात है राम नाम की। एक बात और बताऊं राम नाम की, जो मैं थोड़ा राम नाम की बात कर रहा हूं, राम नाम की महत्व ये है कि राम नाम को आप कहीं भी किसी परिस्थिति में याद कर सकते हो, बोल सकते हो, यहां तक कि आप टॉयलेट में जाकर के बोल सकते हो, श्मशान में जाकर बोल सकते हो। श्मशान में कहते हैं ना राम नाम सत्य है, वो राम नाम वहां भी बोल सकते हो। राम का नाम इतना पवित्र है कि वो अपवित्र हो ही नहीं सकता, स्थान से गंदे से करते हो तो राम नाम लो कोई दिक्कत नहीं है, आप पवित्र हो जाओगे, राम अपवित्र नहीं होगा। स्नान करना पहनना वो शुद्धि करना वो सब दूर करना वो सब नहीं है, राम के नाम के लिए कोई आवश्यक नहीं है। कोई भी बात करो उसका विधान नहीं पाए, वैदिक पाठ करो तो उसका बहुत लंबा विधान है, उसके बिना वैदिक पाठ करो फल नहीं देता, कई बार नुकसान भी रहते हैं, लेकिन राम को कभी करो इतना पवित्र है कि उसको अपवित्र कर ही नहीं सकता संसार कोई। तो राम के बारे में थोड़ा सा बात हुई, किसी भी मौका मिलेगा राम शब्द की महिमा के बारे में और कहा जा सकता है थोड़ा सा। एक मैं बता दूं प्रसंग, जिस वक्त अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण के लिए बाबरी ढांचे का घर रखाया गया था, उस वक्त कुछ स्वामी जी के साथ में भी हुआ था, और वो दृश्य शायद आंखों से मिटाया नहीं जाता। एक लाखों लोग इकट्ठे होते, समस्या होगी इनको नियंत्रित कैसे किया जाए, लेकिन वो भीड़ हिंदुओं की थी, राम भक्तों की थी, वो भीड़ आतंकवादियों की नहीं थी, किसी और दूसरे विधर्मियों की नहीं थी, एकदम पूरी तरह अनुशासित और नियंत्रित रही। उनसे कहा गया कि आप अब कुछ न करो, खाली मिट्टी ले आओ सरगुजे से और यहाँ मिट्टी भर्ती कर दो, मस्जिद काफी ऊंची है, नीचे राम चबूतरा है, राम चबूतरे पर ऊंची लगा करके यहाँ उसको बराबर करेंगे। तो नेताओं ने खास करके बजरंग दल ने और शिवसेना ने जो मुझे मिले उनसे कड़ी बात हुई, उनके अनुसार उन लोगों ने कहा कि इनको बुढ़े आदमी कहने दो, हमारे तो बच्चों का जो सीधे बाबू उस पर गए। पहले ये कह दिया गया था कि अगर कोई भी यहाँ आएगा तो परिंदा पर नहीं मार सकता, रैपिड एक्शन फोर्स 3 मिनट में पहुंच जाएगी, 3.5 मिनट। तो सोचा गया कैसे करें, तो जिस रास्ते में से वहां जाया जा सकता था सभी रस्तों में उनके घरवालों ने कहा कि हमारे घर तोड़ करके हमारा मलबा डालो रस्ते में ताकि उनकी गाड़ी आ नहीं सके, और वॉलंटियर्स ने कहा से उसको डाल दिया, उसको सब रस्ते बंद कर दिए, अब लगे तोड़ने उसको ऊपर से गर्ने पत्थर। हम लोगों ने अपने हाथ से उठा उठा करके वहां निकले हुए भारतीय मंदिर के अवशेष को उठा करके वहां के स्टोर में रखे हैं, मैंने खुद आग से देखे हैं। बाकी बातें आप आज और सुनेंगे, वो एक बहुत मार्मिक प्रसंग है, पर अडवाणी जी बैठे थे यहाँ और भी कई लोग बैठे थे, जयपुर के स्वामी धर्मेंद्र जी बैठे थे, बड़े उत्साह के साथ धर्मेंद्र जी उनको बढ़ाए जा रहे थे। अडवाणी जी ने कहा कि तोड़ो मत शांति रखो, लोगों ने कहा तोड़ेंगे आप कहा शांति रखो। खैर वो दृश्य देखेंगे कभी बात करेंगे उसकी, अभी आज उसको थोड़ा सा दृश्य दिखाएंगे अभी इनको दिखाएंगे। तो प्रिय बच्चों, राम से पवित्र कोई जगत में भारतीय मान्यता के अनुसार कोई चीज है,
राम से महान कुछ है नहीं और राम से रिक्त कुछ नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां राम नहीं है, राम से बड़ा कोई मंत्र नहीं है। हनुमान जी ने, हनुमान जी को भगवान ने कहा कि हनुमान मानो तुम कुछ मानना चाहो मेरे पर तुम्हारा बड़ा उपकार है, तो उन्होंने कहा महाराज मैं तो राम नाम जपता हूँ, राम नाम को इतना सबल कर लो कि राम से बड़ा कोई मंत्र ही नहीं। ओम नाथ का विकल गणपति का पाप का दुष्टों का उनका नाश करने में राम मंत्र के बराबर हो उससे कोई दूसरा बड़ा मंत्र नहीं है। ये भगवान राम का वरदान है श्री हनुमान जी को। सीमा को खिलाने के लिए सीमा से कम नहीं रखने। अब आज ये हमारे लिए बड़े हर्ष का दिन आया है कि हम जिस काम अपने रुग्ण शरीर को इतना कष्ट दिया, इतना तकलीफ पाए, वो बीमार घटना सारी का भी मौका मिलेगा तो वही चला दूंगा। वो तो फंस गए थे, चल सकते नहीं थे, वहां टैक्सी आ नहीं सकती थी और लाए कैसे जा वापस, करीब 2 किलोमीटर दूर ठहरे हुए थे, उसको ठहरने की जो जगह नहीं थी, एक ही दो जगह थी। और जो भी हो, राम को नाम लेकर के कहते हैं जो काम शुरू किया जाए वो काम शुभ होता है, मंगल होता है। हमें मंगल लगे या न लगे, हमें कई बार कोई काम अच्छा नहीं लगता होता है, ऐसा तो अच्छा नहीं है, लेकिन गहराई से सोचने से समय पा करके पता लगता है कि वही हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि राम हमारे लिए पूरा कोई काम होने ही नहीं देते। तो बस आज इस खुशी में अभी हम देखेंगे राम जी के मंदिर की स्थापना। दूसरा एक मंदिर और बहुत महत्वपूर्ण है, वो है वहां हनुमान गढ़ी, जहाँ हनुमान जी बैठते हैं, कहते हैं हनुमान जी का दर्शन करके जाओ तो राम जी के दर्शन करा दे, राम द्वारे कुमार द्वारे हो तुना के अपने सारे, ये तुलसीदास जी लिखा है। तो राम के द्वार पर हनुमान बैठे हैं। तीसरा स्थान है कनक भवन, वो है माता सीता का महल जहाँ राम रहते थे, और अलग अलग लक्ष्मण किला है, भरत किला है, किला है, सब के ऊपर बैठकर अपने रहने की जगह थे, वो सारे देख मिलाए थे, लेकिन 3 जगह तो मैं फिर एक बार निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा प्रभु से, स्वामी जी से, ऐसा मौका हो जब हम लोग सभी यहाँ से कुछ खास लोग जाकर के नए मंदिर का दर्शन करें, थोड़ा भी वहाँ भीड़ कम हो जाए, थोड़ी जगह मिल जाए वहाँ जाके रहने की, उसके बाद इंतजाम करेंगे। सभी को बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बधाई इस महान पर्व के लिए, तो भारत के लिए जागरण का विषय है, और जागरण के बाद हम ये सोए नहीं है, जागृत हैं, हमें जागृत रहना है, हमें हमारा धर्म हमारी संस्कृति उसको स्थापित करना है, करके ही रहना है। इसी के साथ सब प्रणाम है। अगली चर्चा प्रस्तुति है तो मैं बुलाना चाहूंगा बेसिक पब्लिक नृत्य मुझे बच्चों को, जिनके नृत्य के बोल में मेरे केसरी के लाल राम में
अयोध्या में आए श्री राम नहीं वहां पर अब कोई वहां सब वहां हर्षित है ईश्वर दस रथ के मन में है अलचल आए फिर भरत शत्रुघ्न भी लक्ष्मण ने भी आंखें खोली तीन रानियां सखियां जैसी साथ साथ ममता में डोली माना का उत्थान है करना इसलिए आए हैं श्री राम। शांताकरम राम के दर्शन करने आए सभी प्रभु और
यह हो सकता है कि रावण भी आया हो दर्शन करने। यह भी सच है, सभी देवता सोच रहे हैं अब कष्ट मिटेंगे। यद्यपि मेरा विचार है कि रावण भी विष्णु भक्त था, किंतु नहीं वह कहीं भी कि रावण आया अयोध्या कभी भी। सभी यहाँ सुख सागर के हैं, आज यहाँ आए श्री राम है। Oh, my God.
करूंगा निवेदन है, निवेदन करूंगा गांधी विद्या मंदिर की केंद्रीय भोजनालय के प्रभारी श्रीमान बीमल जी से कि वो मंच पर आए और सभी को 6 दिसंबर 1992 के दिन क्या क्या हुआ उस बारे में हमें सभी को अवगत करवाए। मेरा पहला प्रश्न है आपसे, आप 6 दिसंबर 1992 को कहाँ थे? अयोध्या। आप किसके साथ अयोध्या में थे? स्वामी जी महाराज के साथ। आप कितने दिनों से अयोध्या में थे? कितने दिनों से अयोध्या में थे? अब तक। क्या आपको याद है कि 6 दिसंबर से पहले वहां कैसा माहौल था? पहले कार से आ रहे थे, मीटिंग हो रही थी बड़ी बड़ी, सब अच्छा, बहुत बढ़िया माहौल था। क्या आप कार सेवकों के बीच में गए, उनसे कोई बातचीत हुई आपकी? जी जरूर। क्या बातचीत हुई? सब कोई बहुत उचित तरीके से अपने को ये कार सेवा में आए हैं, हम कुछ मदद मिलेगा या एक दूसरे से खूब मिले, जैसे यहाँ के नाग लग रहे थे खूब अच्छे थे। क्या स्वामी जी ने कोई संकेत दिया था कि क्या होने वाला है? जी सर दिया है। 4 तारीख को 5 तारीख को मीटिंग थी, 5 तारीख को अशोक सिंह साहब के उमा बातें थे और साधुरी पंद्रह जी स्वामी जी महाराज भी मीटिंग में बुला रहे थे, तो उस मीटिंग के बाद में जब भी आए तो मीडिया वालों साथ में आए थे स्वामी जी, तो मीडिया वालों ने से बात की तो स्वामी जी महाराज से पूछा कैसे आपको कल क्या होगा, आप तो मीटिंग में जा के आए हैं कैसा रहेगा कल क्या होगा, तो बोला कि स्वामी जी महाराज ने कहा कुछ बड़ा होने वाला है कल, तो ऐसे उनको 6 दिसंबर को क्या हुआ वहाँ, क्या कोई सभा हुई? बहुत बड़ी सभा हुई सर, बहुत बड़ा सभा हुई थी और सभा में कितने लोग थे? अडवाणी जी बोल रहे थे, अडवाणी जी का भाषण चल रहा था, भाषण चलते चलते थे सब गुंज की तरफ लोग बढ़ने लगे और एक तोड़ने लगे बाकी सारी कमाई। खास सेवक इकट्ठे कैसे हो गए, मतलब इकट्ठे वहाँ कैसे आ गए थे सारे मौजूद कैसे हो गए? वहाँ बहुत उस समय पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस तो सब शांत खड़ी थी सर, बिल्कुल शांत थी पुलिस। क्या आपने मैजिक को ध्वस्त होते हुए देखा? जी सर देखा। सुबह से पहले सर
15-20 बच्चे जो बहुत ऊंचे दीवार की दीवार पर चढ़ रहे थे, एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए थे, दीवार पर आ गए थे, ऊपर से एक दो पुलिस वाले ने लाठी भी चले गए, वो लाठी पकड़ के नीचे डाल दी थे, सब पूरी भीड़ मस्जिद के ऊपर हो गई। सुबह से शाम तक क्या क्या हुआ आप बता सकते हैं? वही पहले तो सभा हुई, सभा के बाद में सब मस्जिद को तोड़ने लग गए, और उसके बाद में परंपरा चली गई, इनके ले लिए सब आने लगे पहचान। स्वामी जी कहाँ थे उस समय और किस किस के साथ वो मिले? स्वामी जी अकेले थे, सुबह 7 बजे से गए हुए थे, और स्वामी जी को कुछ लोग मदद मिल गए थे, तो वहाँ स्वामी जी दिन भर वहीं से रात को 11:30 बजे करीब जान की मेहरबान बता दिया वापिस, और ले गए कोई मोटरसाइकिल वाला आया था तो स्वामी जी महाराज को वहाँ छोड़ के भी आए रात को 11:30 बजे। आप वापिस कब बता रहे हैं? और बड़ा बाबू भी वहाँ नहीं थे, 5 बजे कर्फ्यू लग गए, 5 बजे बाद में गाड़ी तो वैसे नहीं चल रही थी, तो 6 दिसंबर को लग गया था। नहीं नहीं 6 दिसंबर को 5 बजे लग गया कर्फ्यू। आप यहाँ सदासर कब पता है? सदासर कब पता है? अब तक रुके थे, फिर वहाँ से कल तक का पता गया स्वामी महाराज। ठीक है बेटा, तो पहले बात बहुत बहुत बड़ा हुआ, वो भी साथ में थे। ये बहुत कोई प्रकरण सुनाना चाहते हैं? कुछ आप सुनाना चाहते हैं? और कोई प्रकरण याद है आपको? और कोई प्रकरण कुछ भी ऐसा कुछ घटना वहाँ घटे तो जैसे जो मैंने बस पर नहीं पूछा वो आपको याद हो तो आप बोल सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब मैं नृत्य प्रस्तुति हेतु बुलाना चाहूंगा बेसिक पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों को। मेरे घर नाम आए हैं इस नृत्य के बोल में, मिलना था जब हनुमान से बुद्धि ज्ञान और बलवान से, वन में उनको वर मिला
वानर एक अनुप मिला रुद्र अवतार नाम के साथ ही वानर राज सुग्रीव के पुत्री वानर दादी ने किया कल्याण सबके रक्षक हैं श्री राम। वानर राज ने किया संकल्प माता की खोज हो तुरंत चारों दिशाओं में जाओ सीता मां की सुध लाओ चले पवन सुत दर्शन की ओर मन में नाम नाम की डोर विघ्न हरण करते हनुमान उनके मन में है श्रीराम। अगली प्रस्तुति हेतु कल्याण सामाजिक विज्ञान संकाय के विद्यार्थी राहुल करवा तैयार है। कला एवं सामाजिक विज्ञान संकाय के छात्र राहुल करवा अपने गायन हेतु तैयार रहे। गायन के बोल हैं ओ पालन हारे। Thank you.
राम बस भक्तों नहीं शत्रुओं की भी चिंता में है, देख गज के पाप रावण राम तेरे मन में है, राम तेरे मन में है, राम मेरे मन में है, राम तेरे मन में है, राम मेरे मन में है, राम तो घर घर में है, राम हर आंगन में है, मन से रावण जो निकाले राम उसके मन में है, मन से Yeah.
की शानदार प्रस्तुति। कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब मैं नृत्य प्रस्तुति में तो बुलाना चाहूंगा बेसिक पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों को। Thank you.
कराओ। और इससे राम राज्य की प्रतिष्ठापना करने में भारत को अवश्य अवश्य मदद मिलेगी और किसी संकल्प के साथ आज इस बार प्रतिष्ठा समारोह की शुरुआत हुई है और अब से केवल थोड़ी देर में उस दिन का क्षण आने वाला है जब भगवान श्री राम ने निश्चित तौर से वह क्षण समीप है जिसका इंतजार सदियों के लोगों का था। वो क्षण समीप है जिसका समूचा चराचर यक्ष गंधर्व सुर नर हर कोई आकर उसका साक्षी बन रहा है। समूचे भारत के सभी पंथ समुदाय मत मतांतर सभी धर्मों के धर्माचार महामंडलेश्वर हर कोई जहाँ मौजूद है निश्चित तौर पर कहते हैं कि इन क्षणों के लिए कहा गया है कि नमन करें इस मातृभूमि को, नमन करें आकाश को, बलिदानों की पृष्ठभूमि पर निर्मित इस इतिहास को, असंख्य जो बलिदान दिए गए आज संकल्प इस चिट्ठी का दिन है। आज इतिहास अयोध्या में लिखा भी जा रहा है। आज एक नए सांस्कृतिक युग का सूत्रपात अयोध्या से हो रहा है और आह्वान किया जा सकता है संकल्प के बाद पूरे देश से कि अरुणोदय हो चुका भी अब कर्म क्षेत्र में घुस जाए अपने Thank you.
Thank you.
सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। अब मैं आरती हेतु बुलाना चाहूंगा IAS की माननीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति महोदय श्रीमान करकमल जी दुर्गर, अध्यक्ष महोदय श्रीमान हिमांशु जी दुर्गर, बाकी सभी पदाधिकारी आरती हेतु राम मंदिर सभी से निवेदन है, प्रभु श्री राम की आरती हो रही है तो कृपया अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आगे ग्रामीण आगे लगा देते हैं। आरती की जय श्री राम लला की।
मंच पर आरती है तो सभी अपने अपने स्थान से ही आरती ले रहे हैं। सभी अपने अपने स्थान पर बैठे। आपसे ही आपका चुनाव सिर्फ राम है, बाल सूचियां बहुत है, बाल सिर्फ राम है। अब मैं निवेदन करूंगा गांधी विद्या मंदिर की ऊर्जावान अध्यक्ष महोदय श्रीमान हिमांशु जी दुग्गर से कि वे मंच पर पधारे और प्रभु श्री राम के आदर्शों विचारों से हम सभी को अवगत करवाए। श्रीमान अध्यक्ष महोदय। सभी से मेरा निवेदन है कृपया अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। इस पृथ्वी का इतिहास ने करवट ली है। एक व्यक्ति हजारों लाखों साल के लिए इस धरती ऊपर जन्म लिया और उनके साथ ये बात स्थापित की कि जो व्यक्ति प्रवचन के रूप में बोलता है उससे अधिक महत्व वो जीता कैसे है उसका है। उनके जीने को आदर्श माना गया।
और ये माना गया कि हर व्यक्ति को ऐसा जीना चाहिए, उनके जीने के हर आयाम को, जो हर एक संबंध का उन्होंने जो निर्वाह किया, जिस तरह उन्होंने त्याग, तपस्या, राजपाट, अपना गृहस्थ जीवन जैसे भी व्यतीत किया, उसको एक श्रेष्ठतम आचरण के रूप में देखा गया। ये जो घटना घटी उसके बाद भी देखो, इतने हजार साल हो गए, लेकिन इस धरा के ऊपर राम के जैसा कोई नहीं हुआ। अभी तक इतिहास नहीं कहता कि राम के जैसा दूसरा कोई आदमी पैदा हुआ है। अभी तक हमको जानकारी में ऐसा कोई व्यक्ति भी नहीं है जो राम की तरह जिया हो। फिर भी इस आशा में कि एक दिन इस धरती पे ऐसा आएगा जब सारे मानव ये श्रेष्ठतम आचरण को धारण करके जिएंगे, और इस आशा के अंदर हम लोग प्रभु श्री राम की वंदना करते हैं, पूजा करते हैं और उनको आदर्श मानते हैं। जिस चीज के लिए हम लोग कितने हजारों साल से इंतजार कर रहे हैं कि वो आचरण सर्वव्यापी हो जाए, वो जो आदर्श है वो समाज के हर जगह, हर वस्तु, हर आदमी में फैल जाए। ये जो मर्यादा की जिनकी श्री राम बात कर रहे हैं, वो मर्यादा पूर्ण जीवन हम सब लोग जी ले, और इसके लिए इतने बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि 1,00,000 साल पूर्व राम का जन्म हुआ था। अगर वो मान्यता को सही माने तो 1,00,000 साल से इस धरा के अंदर हम लोग उसका इंतजार कर रहे हैं, और यही तपस्या का परिणाम है कि ये जो राम जन्मभूमि के लिए ये 400-500 साल हम लोग जो इंतजार किए हैं, उसके लिए जो धीरता आई है, ये तो बहुत छोटी सी धीरता है। इस पृथ्वी के लोगों को 1,00,000 साल से धीरता धरी हुई है, और अनवरत तरीके से कितने ही आक्रमण हुए, राम की पूजा थमी नहीं है इस पृथ्वी के ऊपर, आज भी चल रही है, हमेशा चलती रहेगी। क्यों चल रही है? कि वो जो कामना है मन में कि इस पृथ्वी के अंदर हर व्यक्ति राम बनेगा, वो अभी भी जिंदा है। ये जो कामना है, ये जो आदर्श है, कुछ सीमित लोगों में था मन में, प्रत्यक्ष रूप में, आज ये और अधिक व्यापक हो गया है। उसी को अगर दूसरी भाषा में कहें कि ये पूरा क्षेत्र करोड़ों लोग राममय हो गए हैं, हम सब लोगों के मन में एक आदर्श पूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा का पुनः उत्थान हुआ है। सब लोगों के मन में इच्छा जागृत हो गई है कि हम भी राम जैसे बनेंगे, राम के चरित्र को पुनः स्थापित करेंगे। मैं अभी थोड़ी देर पहले मन में ये चिंतन ही कर रहा था कि आज इतनी बड़ी घटना घट रही है, तो राम से हमको क्या सीख है। मैंने 2-3 बातें जो मेरे मन में आई थी अभी इसी वक्त बैठे बैठे वो मैं आप लोगों को निवेदन कर रहा हूं। एक तो राम जितना रिलक्टेंट हीरो मैंने कभी नहीं देखा, इनकी कभी इच्छा नहीं थी कि मैं हीरो बनूं। उनका पूरा आचरण अगर हम देखें, उनकी पूरी जीवन कथा अगर हम सुने, बारीकी से भी अध्ययन करें, उन्होंने कभी प्रयास नहीं किया कि मैं हीरो बनूं। हमेशा जो उनका कर्तव्य था उसको चुपचाप निर्वाह करते रहे, दूसरे आदमी को हमेशा आगे करते रहे,
संयोग परिस्थिति जब ऐसी आई, जब इतनी बड़ी विपदा आ गई कि कोई और व्यक्ति कर नहीं सका, तब कभी भी श्री राम जो है पीछे नहीं हटे। चाहे वो अपने राजपाट को त्याग करने का मौका था, तो बिना कोई शोर शराबा हो हल्ला गुल्ला किए चुपचाप राजपाट त्याग दिया। जब समुद्र ने रास्ता नहीं दिया तो अपना रौद्र रूप भी दिखा दिया। तो जैसे ही समुद्र ने क्षमा मांगी उन्हें शांत हो गए। जब रावण के साथ युद्ध में सारे योद्धा हार गए थे, जब ऐसा लगा कि अब राम की सेना ध्वस्त हो जाएगी, पराजय हो जाएगी, तब श्री राम आए और उन्होंने युद्ध करके रावण का जो है संहार किया। अगर वो चाहते तो पहले दिन ही युद्ध में उतर के और ये सब कर देते थे, पर उनका जो सारा सोच था वो यही था कि जहां जरूरत पड़ेगी मैं हुई। बाकी समय जो अन्य लोगों को मौका दिया जाए, कभी अपने दायित्व कभी अपने कर्तव्य से दूर नहीं गए। कभी अपने आप को हीरो बनाने की कोशिश नहीं की। और इतनी ताकत के स्वामी होते हुए भी इन्होंने कभी उस ताकत का अमर्यादित उपयोग नहीं किया, हमेशा मर्यादा में बने रहे। देखो, चाहे उस आदमी को ललकारना, युद्ध करना, ये करना, वो करना, वो सब कर सकते थे, पर उन्होंने कभी नहीं किया। ये चीजें हमको हमारे लिए अनुकरणीय है और इन्हीं गुणों के कारण राम जो है वो कोई संप्रदाय विशेष का ये देवता नहीं है। एक बहुत बड़ी भूल हम लोग सब कर रहे हैं कि हम लोग राम को छोटा कर रहे हैं। राम भगवानधारी के जितने हैं उतने ही हरे रंगधारी के हैं, पीले रंगधारी के हैं, लाल रंग, ब्लू कलर, जितने भी रंग हैं सब धारी जो लोग हैं उन सबके नाम उतने ही हैं। इस पृथ्वी पे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने राम का नाम कभी जिंदगी में सुना नहीं है, राम उनके भी उतने ही हैं जितने हमारे हैं। जिस आदमी ने कभी सुना भी नहीं होगा, राम के बारे में कुछ नहीं जानता होगा, राम के लिए, उसके लिए और हमारे लोग जो हम लोग राम की भक्ति कर रहे हैं उनमें कोई फर्क नहीं है। राम के मन में अगर फर्क होता और फर्क अगर है तो मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है। हम जो मुक्ति करने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोगों को ये समझना है कि राम सबके हैं, इनको छोटा ना करें। हम जिस तरह मैं स्वामी जी के लिए हमेशा कहता हूं कि स्वामी जी खाली कोई उनके शिष्यों के, उनके परिवार के लोग या इस संस्था विशेष के लोगों के नहीं है, सबके हैं। जो लोग स्वामी जी को मानते भी नहीं है, स्वामी जी के विरोधी हैं, स्वामी जी उतने ही उनके हैं। इसीलिए जो बात हम लोग हर बार यहां कहते हैं कि कोई और नहीं, कोई गैर नहीं, इसका मेरे हिसाब से सबसे बड़ा उदाहरण श्री राम ही है। उनका जो आचरण है उसका खास बात यही है और जिन दिन हम लोग जो लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं ये समझ जाएंगे कि राम हमारे नहीं सबके हैं और ये बात हमारे आचरण में आ जाएगी हमारी भक्ति के माध्यम से, उस दिन ये आप मान लो कि हम सही पैमाने में विश्व गुरु भी बन जाएंगे और इस धरती के ऊपर युद्ध की समस्या से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा।
तलवार की विधि से धर्म को फैलाने की, दूसरे धर्म को दबाने की, दूसरे संप्रदाय को दबाने की बहुत कोशिशें हुई हैं। ये जो राम जन्मभूमि हम देख रहे हैं उसको भी वंश तलवार की विधि से हुआ, युद्ध की विधि से। और ऐसा उदाहरण इस पृथ्वी के ऊपर लाखों धार्मिक स्थानों का हो रहा है। इस पृथ्वी की जो सबसे पुरानी अभी आज के दिन ज्वलंत लड़ाई है वो एक धार्मिक स्थान के लिए ही हो रही है, फिलिस्तीन नाम का। वहां 3 अलग अलग संप्रदाय के लोग निरंतर लड़ रहे हैं और तीनों संप्रदाय के लोग ये सोच रहे हैं कि तलवार की विधि से हम उसको जीत लें। ये प्रभु राम की मर्यादा का ही प्रताप है कि उनके जो अनुयायी हैं उन्होंने कहा कि बाहुल्य होने के बावजूद हम लोग ये जो जीतेंगे उसको न्याय विधि से जीतेंगे। और 500 साल के इंतजार करके जब न्याय विधि से ये जीत हुई तब वो जन्मभूमि जो है उन्हें मंदिर के रूप में वहां स्थापित कर रहे हैं। न्याय विधि युद्ध विधि से कई आगे की चीज है। और बहुत लोगों का ये मान्यता है कि आज युद्ध विधि में आज ये ताकतवर है इसलिए मंदिर बना दिए हम उन्हें तोड़ देंगे, अब नहीं होगा। क्यों? कि ये मंदिर जो है न्याय विधि से बना है, तलवार की विधि से नहीं बना है। अब कोई तलवार की विधि से इसको तोड़ नहीं सकता। और मेरे जानकारी में ये इस पृथ्वी की पहली घटना है कि तलवार की विधि से तोड़ी हुई चीज न्याय विधि से पुनः बनी है। इससे ये भी स्थापित धीरे धीरे हो जाएगा कि कोई भी वस्तु को पाने के लिए युद्ध करने की अब आवश्यकता नहीं है, भले थोड़ा समय लगेगा। पर इस पृथ्वी पे न्याय इतना स्थापित हो गया है कि न्याय विधि से आपको चीज मिल जाएगी, आपने धीरता रखनी पड़ेगी, अपनी ईमानदारी बना के रखिए, अपनी मर्यादा बना के रखिए। देखो राम जन्मभूमि आंदोलन के अंदर जो विवादित ढांचा था, अभी बीरबल जी ने बताया कि कैसे पुलिस वाले सब बेसहारा हो गए थे उस दिन। कोई बंदूकों की कमी नहीं थी पर भीड़ के बल के सामने सब बेसहारा थे। उसको डेमोन्स्ट्रेट कर दिया कि अगर हम चाहें तो हमको कोई नहीं रोक सकता। और वो डेमोन्स्ट्रेट करने के बाद मर्यादित हो गए कि ना हम इंतजार तो न्यायालय का करेंगे। नहीं तो जिस विधि से विवादित ढांचे को तोड़ा था उसी विधि से ये मंदिर भी बना देते भीड़ इकट्ठी करके। ये राम के चरित्र का ही प्रताप है कि उनके अनुयायी ने ये काम नहीं किया। पूरी मर्यादा में रहते हुए इंतजार किया, धीरता रखी और धीरता जो है वीरता में परिवर्तित हुई है। आज क्या राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। पूज्य स्वामी जी हमेशा कहते थे कि ये राम जन्मभूमि जो उस दिन बनेगी उस दिन इस देश की चेतना पुनः जागृत हो जाएगी। और ये बात कितनी सही साबित हुई आप देख लीजिए कि जिस दिन न्यायालय में आदेश हुआ हाईकोर्ट में कि ये राम जन्मभूमि बननी चाहिए उस दिन इस देश के लोगों में अलग टाइप का कॉन्फिडेंस आने लगा। हमारे इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स के अंदर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, अन्य निर्णयों के अंदर हमारे अंदर एक अलग टाइप का कॉन्फिडेंस है। फिर सुप्रीम कोर्ट में जब निर्णय हुआ, देखो इतने साल के बाद हिंदुस्तान का विदेश मंत्री ये बोल रहा है कि इंग्लैंड चाहे और यूरोप के लोग कुछ भी बोले, हम जो उसको सही मानते हैं हमारे लिए सही है वही करेंगे। और ये एक बार नहीं बार बार बोलने लगा है। जो 10-20 साल पहले तो ये हाल था कि हम अपने आप को गुलाम मानते थे उनको, और अचानक ये परिवर्तन आ गया है।
संस्कार है कि आज जब राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, अब इतिहास दिखाएगा संगठित होके हमने ताकत का प्रदर्शन तो कर दिया है, लेकिन हम सब लोगों को याद रखने की आवश्यकता है कि हम राम के अनुयायी हैं और राम ने कभी मर्यादा नहीं छोड़ी। संख्या का संगठन का ताकत हमको मिल गया है, मर्यादा को हम त्यागे नहीं, किसी के ऊपर अत्याचार ना करें। तो हम सही पैमाने में आदर्श बनेंगे और ये पृथ्वी के सब लोग राममय बनेंगे। हम अगर ये सोचते हैं कि हम संख्या से संगठित होके अब हमारी तलवार सबसे बड़ी, हम तलवार चलाएंगे, ये नहीं होगा। तलवार के बल से चेतना का परिवर्तन नहीं होता, आज तक नहीं हुआ है लाखों लाखों साल में। संप्रदाय का परिवर्तन हो जाता है, चेतना का परिवर्तन नहीं होता। ये जो मर्यादा हम रखेंगे तो हम सही पैमाने में इस विश्व की चेतना का परिवर्तन कर पाएंगे और ये नई चेतना जागृत होगी जिसके लिए हजारों हजारों लाखों लोगों ने बलिदान दिया। इस देश के अंदर बहुत बड़े बड़े बहुत तपस्वी संतों ने बहुत कष्ट सहे हैं, उन संतों के अंदर नाम स्वामी जी का भी है और स्वामी जी जैसे पता नहीं कितने लोग बलिदान किया। देखो शरीर त्यागना बहुत छोटी चीज है, इन्होंने जिंदा रहने की जो तपस्या की है, ऐसे लाखों संत हैं आज भी जिन्होंने बहुत बड़े बड़े संकल्प ले रखे हैं कि जिस दिन राम जन्मभूमि का मंदिर बनेगा उसी दिन हम ये करेंगे, लेकिन ये नहीं करेंगे, ये त्यागते हैं, वो त्यागते हैं, ऐसे लाखों संत हैं। इस देश के ही एक शंकराचार्य ने कई दशकों पहले अपने छत्र और खड़ाऊ और इनको त्याग दिया था। बोला इस देश के अंदर जहां गो हत्या हो रही है उस पर शंकराचार्य को चांदी का छत्र रखने का अधिकार नहीं है, उन्होंने उसको त्याग दिया और इतने सालों से त्यागा हुआ है, ये तपस्या है उनकी। अब उनका जो शिष्य होगा वो कैसे धारण करेगा, उसको भी जब तक ये गुरु का संकल्प पूरा, अगर वो सुशिष्य है जब तक गुरु का संकल्प पूरा नहीं होगा तब तक वो भी नहीं कर पाएगा। और अंत परिणाम क्या होगा कि इन्होंने जो संकल्प लिया है वो पूरा होगा ही होगा। इसी तरह के राम जन्मभूमि बनी है, अनन्यता का भाव हम कोई नहीं, राम सबके हैं। दूसरा, हम ताकतवर हो गए हैं लेकिन मर्यादा छोड़े नहीं। दूसरी भाषा में हम अगर कहें तो कोई और नहीं, कोई गैर नहीं, और कुछ न चाहो काम आ जाओ। ये कुछ न चाहो काम आ जाओ का मतलब ही मर्यादा है, और कोई और नहीं, कोई गैर नहीं, मतलब यही है कि जो श्रेष्ठ आचरण है, श्रेष्ठ व्यक्ति है, वो सबके लिए पूजनीय है। हम लोग बहुत बड़ी भूल करते हैं कि ईश्वर उसको मानते हैं जो मेरा तो भला करे और मेरे दुश्मन का बुरा करे, दुश्मन का सर्वनाश करे। ईश्वर जैसी सुंदर वस्तु को, श्रेष्ठतम वस्तु को, जिससे श्रेष्ठ कोई वस्तु नहीं है, इससे बड़ा अपमान नहीं है मेरे हिसाब से उसका, कि ये सोचना। और यही आधार है, ये सोचना ही जिसके कारण संप्रदाय के या ईश्वर की प्रार्थना में लोग मर्यादा त्याग देते हैं। बहुत हर्ष, बहुत उल्लास का अभी समय है और यही समय है
जब हमको मर्यादा याद रखनी है। अगर इस वक्त हम मर्यादा को याद रखेंगे, मर्यादा का पालन करेंगे, तो हम हमेशा मर्यादित रहेंगे। मर्यादा का सही पैमाने में टेस्ट जो है, जब आप बहुत सक्सेसफुल होते हैं या जब आप कोई बहुत तकलीफ में होते हैं, तभी होता है। अगर उस वक्त आपने मर्यादा नहीं छोड़ी, बाकी समय भी आपकी मर्यादा बनी रहेगी। गांव के श्रेष्ठतम गुणों का चित्रण कीजिए अपने मन में, और ये कल्पना कीजिए, संकल्प कीजिए कि वो सारे गुण मेरे अंदर आ जाए। मैं भी ऐसा त्यागी, तपस्वी, आदर्श आचरण युक्त जीवन जीऊं, और आज ही उसके लिए प्रयास चालू कर दीजिए। इसके अलावा आज के इस पावन अवसर पे और कोई संकल्प कोई काम का नहीं है। मैं राम जैसा हो जाऊं, ये संकल्प के कम कोई संकल्प नहीं है, इससे आगे कोई संकल्प की जरूरत नहीं है। ये बात हम लोग अच्छी तरह समझ लें, और जब ये हमको समझ में आ जाएगी तो स्वामी जी ने और लाखों संतों ने, करोड़ों संतों ने जो तपस्या की है, वो सही पैमाने में इस ईंट पत्थर की मूर्ति या मंदिर से नहीं सफल हो रही है। हमारा हर एक व्यक्ति का आचरण ऐसा हो कि हम राम बन जाए, तब सफल होगा। ये ईंट पत्थर का जो वो मंदिर बन रहा है, ये तो प्रतीक है। सही टारगेट तो आप और मैं ही हैं। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामना इस पावन अवसर का। बड़ी मर्यादा के साथ, बड़े हर्षोल्लास के साथ आज हमने इस पावन अवसर के दिन हमने मनाए हैं। मैं आज निवेदन करूंगा कि जो लोगों ने भजनों की और की कुछ तैयारियां की है, हम सबको सुनाएं और माहौल को बड़े उत्साह के साथ राम में बनाएं, ताकि हम सब लोग राम की भक्ति में लीन हो जाए। जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अब मैं निवेदन करूंगा गांधी विद्या मंदिर के कर्तव्य सचिव महोदय श्रीमान अजय प्रदीप त्रिपाठी से कि वो मंच पर पधारे और अपने गायक से इस सभागार को राममय बना दें। श्रीमान सचिव महोदय, श्रीमान ब्रिगेडियर अजय प्रदीप त्रिपाठी से निवेदन है कि वो मंच पर पधारे और अपने गायक से इस सभागार को राममय बना दें। ब्रिगेडियर अजय पति जी के पास मन की आंखें तूने खोली।
Oh.
Thank you.
आप पहला दौरे मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे Yeah.
शानदार प्रस्तुति। अब मैं निवेदन करूंगा गांधी विद्या मंदिर के सचिव महोदय ब्रिगेडियर अजय भटीजी त्रिपाठी से कि वे मंच पर आए और सभी आगंतुकों का धन्यवाद ज्ञापित करें। श्रीमान सचिव महोदय ब्रिगेडियर अजय भटीजी त्रिपाठी, जो उस पल के साक्षी थे जब विवादित ढांचे को गिराया गया और इस अवसर पर उन्होंने कुछ संस्मरण हमारे साथ साझा किए। इसी के साथ मैं आभारी हूँ केंद्रीय भोजनशाला के प्रभारी श्री बीरबल जी का, जो भी उस क्षण के साक्षी थे और उन्होंने अपने संस्मरण हमारे साथ साझा किए। अपने धन्यवाद देता हूँ गांधी विद्या मंदिर के ऊर्जावान कर्मठ और यशस्वी युवा अध्यक्ष माननीय श्री हिमांशु जी दुबर का, जिन्होंने संस्था के ध्येय वाक्य कुछ न चाहो काम आ जाओ और कोई और नहीं कोई गैर नहीं को जनमानस में साकार किया है और संस्था को सफलता की ऊंचाई पहुँचाने के लिए अवसर है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आईएससी माननीय विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर पीएल शर्मा का, जो स्वास्थ्य बस यहाँ उपस्थित नहीं हो सके हैं, उनके कुशल मार्गदर्शन में विश्वविद्यालय नए आयामों की ओर अग्रसर है। इसी क्रम में मैं धन्यवाद दूंगा आईएससी माननीय विश्वविद्यालय के सब कुलाधिपति डॉक्टर देवेंद्र मोहन जी का, जिनका मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे सहयोगी आईएससी माननीय विश्वविद्यालय के अधिष्ठान सिद्धार्थ सिंह गहलोत और जिनके अध्यक्ष सचिव श्री रामसाहब काले जी का, जिनका सहयोग मुझे हमेशा मिलता रहता है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ उपस्थित विद्यालय महाविद्यालय विश्वविद्यालय के विभिन्न पदाधिकारियों संस्था के कार्यरत कर्मचारियों एवं संस्था में अध्ययनरत विद्यार्थियों का, जिनके सहयोग से आज के इस शानदार कार्यक्रम को और प्रस्तुतियों ने विशेष योगदान यादगार बना दिया है। मैं धन्यवाद देता हूँ बेसिक पब्लिक स्कूल की डायरेक्टर श्रीमती मधुबाई एवं महिला विद्यालय विश्वविद्यालय की संस्था प्रधान श्रीमती सरिता पारी एवं उनके अतिथि टीमों का, जिनके अथक परिश्रम से आज का कार्यक्रम कुशलता के साथ निर्वहन हो सका। अंत में मैं धन्यवाद देना चाहूँगा गांधी विद्या मंदिर के असिस्टेंट रजिस्ट्रार स्टेट श्री मनोज शर्मा जी का और श्री कपिल साईं और गांधी विद्या मंदिर की मेरी अद्भुत टीम का, जिन्होंने खराब मौसम में दिन रात एक करके इस कार्य को सफल बनाने के लिए अथक प्रयास किया।
एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम। धन्यवाद महोदय। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कुछ भजन कीर्तन का आयोजन हो रहा है जो 10 मिनट तक के लगभग चलेगा। तो जो इच्छुक हैं वो बैठे रहे और जो जाना चाहते हैं वो प्रस्थान कर सकते हैं। और बुलाना चाहूँगा शाहरुख खान को, जिनके गायन के बोल हैं श्री राम जानकी बेटे मेरे से हैं। Oh.